हनक ने भी बोला है कि ठीक है अब यही चाहते हैं आप, तो जो आप बोलेंगे वही होगा, माया के साथ तो शादी होगी। और सच में अब धनक तो शादी करवाएगी क्योंकि अब एक्चुअली उसे टेस्ट करना है कि रघु सच में प्यार करता है या सिर्फ अभी तक सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। अच्छा पीछा क्यों कर रही है रघु और माया का, मतलब इतनी जेलेसी है? माया का नहीं कर रही हूँ पीछा, मैं बिल्कुल माया का पीछा नहीं कर रही हूँ, रघु का भी नहीं कर रही थी। रघु मुझे मिल जाते और सिमिलरली दूसरे सीन में माया और रघु मुझे दिख जाते हैं, वहाँ माई का इंटेंशन होता है कि इसको जलाने के लिए लेके जाना। और पहले वाले टेक में मुझे पता चलता है, एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ रघु के अंदर की अच्छाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो वो रियलाइजेशन के बाद मैं पीछा करती हूँ कि मेरा पति और क्या क्या कर रहा है। बाकी दूसरे टेक में तो आई एम लाइक कि चलो ठीक है यार, कर रहे हैं जो कर रहे, तो चलो खरीद भी आना सामान, अब घर चलते हैं, बट माई जाना नहीं चाहती। अच्छा वैसे सुना है कि छठे फेरे तक आप रुकेंगी और उसके बाद ही डिवोर्स देंगी, ऐसा क्या खास है छठे फेरे में? मेरा हुआ था सातवां फेरा हुआ था छठे फेरे के बाद ही ट्विस्ट होता, तो सारा ड्रामा छठे फेरे के बाद होता है, तो हम छठे तक रुकते हैं, फिर सातवें में ही पूरा पलड़ा उल्टा हो जाता है। तो समवेयर धनक इस लाइक छठे फेरे तक भी नहीं पहुँचे कि यहाँ पे तो बात रघु को जानती है, मैं नहीं करेगा मैं ऐसे शादी। और माया को कितना जानती है क्योंकि वो और आई मिलकर माया कितनी भी कोशिश कर ले, देखिए प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो जिस पे आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। माया के लिए माया के अगर मैं श्रुति के तौर पे भी बात करूँ तो मुझे हमेशा से माया का कैरेक्टर बहुत ही सिंपथेटिक और बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं धनक के तौर पे बात करूँ तो भी वो एक बेचारी है जिसने प्यार किया और उसका प्यार पूरा नहीं हुआ, धनक को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब फेक प्रोमिसेस तो रघु कर रहा है सबसे, पहले मैं तुम्हारे साथ, फिर मैं तुम्हारे साथ, बैंगन बने पड़े थाली के इधर के उधर उधर के उधर। तो अब शादी होती है तो मुझे दुख होगा, नहीं होती है तो बेचारी उसको दुख होगा। अच्छा एक लास्ट सवाल, माया मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, जहाँ पे भी जाती है कुछ कांड करके आती है, आज भी यहाँ पे किसी को बैग लेके भाग गई। कितना चोर चोरी से जाए सीधा चोरी से ना जाए, ये वही हालात है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। वो बनना चाहती है धनक, पर देखते हैं इतना मसान नहीं है धनक।